बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर सेकंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस लेक्चर नंबर 30 अत्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कोई मीडियम की सरफेस है, इस सरफेस पर सारे पार्टिकल्स हैं। ये अगर स्टेशनरी हैं तो सारे पार्टिकल्स स्टेशनरी हैं। इस मीडियम में कोई वेव डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया, वो डिस्टरबेंस इसे क्रिएट किया मैं, ये डिस्टरबेंस थोड़ी सी देर बाद थोड़ा आगे पहुंच जाता है। अब इसमें किसी मीडियम के एक पार्टिकल को अगर हम देखें, ये वाला पार्टिकल को, ये पार्टिकल अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ओसिलेट करता रहेगा। तरंग गति कर रही है इस दिशा में और माध्यम का जो कण है वो यहाँ से इसके लंबवत इससे कंपन गति कर रहा है। किसी निश्चित टाइम पर इस पार्टिकल का माध्यवस्था से जो विस्थापन उसको हम कर रहे हैं वाई, ये हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तरंग अगर यूं गति कर रही है, वेव का मोशन अगर इस तरफ है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई। अब मान लो इसी कण पर एक और तरंग आ रही है, वो ये वाली, तो उस निश्चित टाइम पर पार्टिकल हमें मिलेगा यहाँ। तो पहले कण के कारण विस्थापन मान लो वाई वन है, सेकंड के कारण वाई टू। अगर केवल सेकंड कण पार्टिकल होता, केवल सेकंड तरंग होती, तो माध्यम का ये जो कण है वो यहाँ से यहाँ तक इससे सरणावर्त गति करता यू। फर्स्ट तरंग होती तो ये यू कंपन गति करता। अब मान लो दोनों तरंगें आ रही है एक साथ, तो माध्यम के इस कण का विस्थापन एक तरंग के कारण y1 होगा, दूसरे तरंग के कारण y2 होगा, तो परिणामी विस्थापन y1 प्लस y2। मीडियम के इस पार्टिकल पर दोनों वेव्स अगर साइमल्टेनियसली इंसिडेंट हो रही है तो मीडियम के इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। माध्यम के एक कण पर दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के उस कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसको हम बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब दो तरंग के बजाय अगर तीन हों तो y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा, चार हो तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ऐसा। ये जनरल केस हो गया। अब ये जो अध्यारोपण है इसके चार विशेष अवस्थाएं होंगी। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। दो तरंगें दोनों के आवृत्तियों का मान समान हो, दोनों तरंगों का वेग का मान समान हो, एम्पलीट्यूड आयाम उनके अलग अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरंग अगर एक दिशा में कंपन कर रही है, एक दिशा में गति कर रही है, तो माध्यम के उस कण का जो विस्थापन होगा दोनों के सदिशों के तुल्य होगा। तो इस केस में वो जो अध्यारोपण होगा उसको व्यतिकरण बोलेंगे। दोनों तरंगें अगर समान कला में मिलती है, एक तरंग यू में आ रही है, दूसरी तरंग उस कण पर ऐसा आ रही है, तो माध्यम रिजल्टेंट हो जाएगा ए वन प्लस ए टू, परिणामी आयाम ए वन प्लस ए टू, एक आयाम ए वन दूसरा आयाम ए टू, तो परिणामी आयाम कौन हो गया ए वन प्लस ए टू। इस तरह के व्यतिकरण को बोलेंगे
दूसरी तरंग इसके विपरीत कलर में, एक का आयाम A1 दूसरे का आयाम A2, A1 का वैल्यू A2 के मुकाबले ज्यादा है ऐसा मन माना है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये कण इससे कम मान दिख रहा है, उसका आयाम का मान हो जाएगा A1 - A2। विपरीत कला में अगर मिल रही है इसको बोलते हैं पर
आयाम शून्य होगा, निष्पन्न बोलते हैं उसको, नॉड्स। तो नॉड और एंटी नॉड्स ये इसमें बनेंगे जब विपरीत दिशा से आ रही है। आवृत्ति मान समान होना चाहिए, वेग विपरीत दिशा में होना चाहिए, आयाम का मान अगर समान हो। अब अगर अध्यारोपित हो रही दोनों तरंगे तो ये परिणामी तरंग गति करते हुए नहीं दिखेगी, इसको अप्रगामी तरंग बोलते हैं। इसमें तरंग की जो स्थिति होगी वो इससे दिखेगी। ये पॉइंट जो नहीं हिलेगा, ये पॉइंट भी जो नहीं हिलता है, ये पॉइंट भी जो नहीं हिलता है, इसको नोड्स बोलते हैं। और बीच में जिसका आयाम अधिकतम होता है उनको बोलेंगे एंटी नोड्स। तो प्रस्पन और निष्पन है। लास्ट है लिस्सा जो की आकृति। लिसाज फिगर में क्या होता है, अगर एक तरंग यूं आ रही है, इसकी आयाम है ए, इसका आवृत्ति म्यू, इसका वेलोसिटी भी मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगा। तो ये कण अगर आ रहा है, ये तरंग अगर आ रही है, तो माध्यम का ये जो कण है वो यहां से लेकर यहां तक सरल आवर्त गति करता है। ये पार्टिकल यूं चलता हुआ हमें देखेंगे, ऑसिलेट करता हुआ। इसी कण पर एक तरंग अगर ये आती है जिसका आयाम ए, आवृत्ति न्यू, वेलोसिटी बी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, आयाम अलग भी हो सकता है ए वन ए टू, ये तरंग नहीं हो केवल अकेली तरंग हो, तो माध्यम का कण ये न्यू कंपन गति करेगा सरल रेखा में। अब ये तरंग भी है, ये तरंग भी है, दोनों तरंग अगर एक साथ आपतित होती है तो माध्यम का ये कण या तो यू गति करेगा या इलिप्स बनाएगा या सर्किल बनाएगा, या इसका कोई भी शेप हो सकता है, इलिप्स बन रहा है या सर्किल बन रहा है या, तो ये जो शेप है इस शेप को अपन बोलते हैं लिसाजो की आकृति। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट भी हो सकती है, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस वो टाइम से चेंज होता जाएगा, उस केस में जो फिगर का शेप है वो भी चेंज होता जाएगा। अभी अगर हमें माने कि फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो भी फेज डिफरेंस इन दोनों तरंगों के बीच में वो फेज डिफरेंस बना रहेगा और इसका जो शेप है वो फिक्स होगा, या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो इससे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर सकते हैं, सर्किल बनाएगा तो इससे सर्किल, लगातार सर्किल बनता जाएगा पार्टिकल। तो इस आकृति को अपन बोलते हैं लिसाजो की आकृति। तो अध्यारोपण एक जनरल टर्म हो गया, माध्यम के किसी कण पर दो तरंगे या दो से ज्यादा तरंगे एक साथ अध्यारोपित होती है तो माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण विस्थापनों के सदिशों के तुल्य होता है। अब ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसका स्पेशल केस अगर हम देखें तो चार तरह के स्पेशल केस हो सकते हैं। इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स हमारे पास है दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इंटरफेरेंस होगा, सेम फेज में पहुंचेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑपोजिट फेज में पहुंचेगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव्स हमारे पास है दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंट है, डिफरेंस है, एक डायरेक्शन में अगर आपतित हो रही है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका उनके बीच में जो वेव्स पहुंच रही है उनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। तो जब सेम फेज में पहुंचेगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ऑपोजिट फेज में पहुंचेगी तो मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो रेगुलर इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमम बनेगा, इसको बोलते हैं बीट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट केस, दो वेव्स हमारे पास है दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है तो जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा वो हमें ट्रेवल करता हुआ नहीं दिखेगा, मैंने तरंग गति करती हुई नहीं दिखेगी, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव है या स्टैंडिंग वेव है। इसमें मीडियम में कुछ पॉइंट्स पर नोड्स बनेंगे जो पॉइंट्स हिलते नहीं बिल्कुल भी, और कुछ पॉइंट्स पर एंटी नोड्स बनेंगे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं। लास्ट है लिसाजो की आकृति। दो वेव्स हमारे पास है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है तो मीडियम का जो पार्टिकल है एक क्लोज पाथ में ट्रेवल करता है
वो जो क्लोज पाथ का शेप होता है उसको हम बोलते हैं लिसन के आकृति। तो ये चार तरह के अध्ययन होते हैं।